सो so फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे के पी आई ग्रीन एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं साथ में कंपनी ने डिविडेंट का भी ऐलान किया अभी और जो डिविडेंट का ऐलान किया हुआ है बीस पैसे जी हाँ प्रत्येक शेयर के ऊपर आपको बीस पैसे मिलने वाले हैं डिविडेंड के रूप में जिसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह तय की गई है अभी चौदह नवंबर तो चलिए आप देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज़ लैख में दिया गया अभी इसको हम जो है अभी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो करंट क्वार्टर यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेंगे और ये आपको हाफ ईयर तो चलिए देखते भी करंट क्वार्टर में जो इसकी टोटल इनकम है फिर टोटल रिवेन्यू हमें देखने को मिला है वो अभी तीन लाख का सॉरी छत्तीस हजार एक सौ चालीस लाख का यानी कि तीन सौ इकसठ करोड़ का जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था अभी लगभग तीन सौ उनचास करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में दो सौ पंद्रह करोड़ की इनकम थी यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में काफ़ी शानदार जंप हमें आते हुए नजर आया है इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी तो दो सौ तिरसठ करोड़ के रहे हैं करंट क्वार्टर में प्रीवियस में दो सौ सत्तावन करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे एक सौ बहत्तर करोड़ के हमें जो ना भी इसके जो क्या बोलते हैं एक्सपेंस है वो देखने को मिले थे यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस है क्या अभी ज़्यादा ही है मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते भी नेट प्रॉफ़िट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफ़िट बनाया है भाई वो है करीब छः लगभग छः हज़ार नौ सौ भाई यहां से आप लोग देखोगे छह हजार नौ सौ लाख का करोड़ में कन्वर्ट करो तो उनहत्तर करोड़ तिरासी लाख का है जो प्रीवियस क्वार्टर में छियासठ करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में चौंतीस करोड़ का यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इसके प्रॉफिट में हमें जो है अभी ग्राउंड देखने को मिल सॉरी जंप देखने को मिला है जो कि ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट के करीब हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर छियासठ करोड़ से सिर्फ तीन करोड़ ऊपर में प्रॉफिट गया है यानी कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट है और रिजल्ट जो ना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं ठीक है पीछे के मुकाबले इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर ई पाँच पचपन का और जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा था भी लगभग पाँच अड़तालीस का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर तीन रुपये इक्कीस पैसे का इसका अर्निंग पर शेयर था यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एंड क्वार्टर टू ईयर ऑन ईयर दोनों जगह पर जिसका आई पी एस है वो भी इंक्रीज हुआ अभी तो रिजल्ट काफ़ी शानदार है इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए ये नोट्स एक बार आप लोग वीडियो को पोस्ट करें डिटेल में पढ़ लेना है ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हुआ है वो आपको मैंने बता दिया अभी वैसे तो रिजल्ट जो डिविडेंड वगैरह लर्न किया ठीक है यहाँ पर जो इसकी एसेट्स हैं वो देखो कि इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है अगर बात की जाए कंपनी के ऊपर डेट की बोरोइंग तो देखो भी बोरोइंग हमें जो ना भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म में uh, कम हुई है एंड लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुई है ठीक है यानी कि एक जगह पर इंक्रीज एक जगह पर कम भी किया अभी अपना डेट तो ये टोटल अपडेट्स भी और यहाँ पर एक फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो वीडियो को पहुँच करके देख लेना ये रिवेन्यू सेगमेंट से किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने क्योंकि जनरेट किया है तो ये रिजल्ट्स है रिजल्ट काफ़ी शानदार है और जो इसका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो